अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? तो अभी हम लोग यहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ाने लगे हैं। हमारे यहाँ पे बाहर आए हैं तो जब से रमज़ान के लास्ट मतलब हुआ है तो थोड़े से रोज़े रह गए तो कोई ना कोई आ जाता है यहाँ पे शॉर, तो सारा मोहल्ला जो है ना यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो आज चूड़ियों वाली आई है तो सब चूड़ियाँ मैनू पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं मैं चूड़ियाँ चढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है गर्मी भी लगनी है, लेकिन बस शौक है इसलिए चढ़ा रही हूँ। जो ये वाला कलर बहुत पसंद आया, आप ही बताएं आपको कैसा लगा ये वाला कलर? हो गई क्लियर हो गई दर्जन दर्जन चाड़नी है बोतलियां। छोटा नाप मेरे हाथ रेट बाद करांगा, बावा ते लाग दे लिया 100 रुपये दर्जन जो तुम घट के दे बेटा अजे तुम कि हूँ 50 वाले समान ना चूड़िया ही नहीं कि सोने दी मैं कदो क्या सोने तू चूड़िया चढ़वाओ कुड़ी नू बंदे राती भाई भी चूड़िया च फिर शफीक ने आगा तुसी बाजी चढ़ानी है मार तू ही दी मेरी एड्डी सारी पतरी कसमे कितने नहीं मैं वेखनी है ये कदा जलाब गया मेरी कुड़ी हो यहाँ पे सब मैंने चढ़ानी सबने चढ़ानी है और भी बहुत से लोग आ रहे हैं। तो अभी हम लोग बाजार भी जाना है शॉपिंग करनी है, आज कुछ शॉपिंग रह गई थी तो वो भी करने जाना है। आप हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा क्या शॉपिंग करके आते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं बाजार में और जो पीछे से हम रास्ता पार के आए हैं पार करके आए हैं वो आपको बता नहीं सकते हैं क्या वहाँ पे मोबाइल लेके निकाल सकते हैं। इतना रास्ता इतना रास्ता कि आप बता ही नहीं सकते जितना रश था वहाँ से। बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले हैं और अभी हम लोग ये रास्ते पे आए हैं। यहाँ पे रश नहीं है, शुक्र करते हैं यहाँ पे रश नहीं है। तो आप देख सकते हैं फिर भी रश है, लेकिन पीछे मैं आपको बता नहीं सकती कि आप वहाँ पे सिर्फ मतलब एक एक जगह पे ना 10-10 मिनट रुक कर तो फिर आगे जगह मिलती थी एक कदम रखने, तो ऐसे हम वहाँ पे आधा घंटा लग गया थोड़े से रास्ते में। तो अब हम लोग आ गए हैं तो आगे देखते हैं रश है कि नहीं और क्या लेते हैं आपको ये भी बताएँगे। तो शॉपिंग जो है वो हम लोग ने कर ली है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि दुकान में बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं घर जाके आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, थोड़ी सी करने वाली लगी थी पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी जो कुछ हमने लिया था। और अभी इस वीडियो में दिखाऊँगी लास्ट पे कि हम लोग ने क्या क्या ख़रीदा है। तो रश की वजह से मैं यहाँ पर दुकानों पर जो है वीडियो नहीं बना सकती, अभी मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते कितना ज़्यादा रश है। ओ यार सीरियसली मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द है, अभी हम लोग रिक्शे में बैठे हैं बस घर जा रहे हैं। घर जा कर तो मैं आपको दिखाती हूँ आज हमने क्या खरीदा है, तो अभी चलते हैं घर।
तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाले हम लोग ड्रेस लेके आए हैं। काम थोड़ा होता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बाजार में बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं तो देखे मतलब कोरोना वायरस है और देख के मैं परेशान होगी कि इतना ज़्यादा रश। हम लोग तो जब से लॉकडाउन ओपन हुआ सिर्फ दो दफ़ा गए हैं, क्योंकि एक दफ़ा शॉपिंग की थी तो पूरी कंप्लीट नहीं थी हुई, तो फिर दूसरी दफ़ा इसलिए थोड़ा सा जाना पड़ गया। तो ये मेरी छोटी नंदी हैं दो, उनके लिए ड्रेस लेके आए हैं। तो ये ड्रेस भी बहुत मुश्किल से हम लोगों ने पहले 3-4 दुकानों पे गया, हमें पसंद मतलब मिले ही नहीं है, मिले ही नहीं है। ऐसे आवाम जैसे कि ऐसे चीज़ें ले रही है जैसे कि मतलब फ्री मिल रही है, और हालांकि डबल रेट पर मिल रही हैं चीज़ें। तो ये ड्रेस हम लोग ने ऐसे लिया कि हम लोग अभी दुकान पे गए हैं तो हमने देखे आगे पड़े, और फटाफट से हमने पकड़ लिया, हमने बोला हमें साइज़ तो ठीक है ठीक है। तो हम लोगों ने फटाफट से काउंटर पर ले गए, तो एक औरत वहाँ पर आ गई पकड़ के अब खींचने लगी। तो हमने बोला ये हम लोगों ने ले लिए, मतलब मिलते ही नहीं है, ये दो पीस लास्ट थे जो हमें मिल गए, शुक्र अल्लाह का हमने किया कि हमें मिल गया, वरना मतलब इन्होंने जाने ही तो छोड़ी। बच्चियाँ अभी छोटी हैं, ज़ाहिर है उनको होता है कि ईद आ रही है, तो फिर वो कह रहे थे हमने रेडीमेड ही लेने हैं घर में, हम लोगों ने नहीं सिलवाने। लेकिन रेडीमेड अच्छे मिल ही नहीं रहे, मिलते ही नहीं है, साइज़ ही नहीं पूरा आ रहा। साथ इनके दुपट्टे लिए हैं, ये वाले दुपट्टे हैं, और साथ इनके बैग लिए हैं। मतलब बच्चों को होता है ना चूड़ियाँ बैग वगैरह ये सब चीज़ें लेने का शौक़ होता है, तो इस वजह से इनकी ये चीज़ें ली हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अब हम लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम लोग सही सलामत घरों में पहुँच गए हैं वापस, लेकिन अब नहीं हम लोग जाएंगे। और ये वाला मैंने खादी का ड्रेस लिया, ये देखा हम लोग ने बहुत ही अच्छा लगा, प्यारा लगा मुझे और मेरी जो मदर इन लॉ को, तो फिर हम लोग ने ये भी ले लिया। और ये न्यू स्टाइल है, मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा और है भी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा इस तरह का, तो फिर मैंने ले लिया। मैंने बोला ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, चलो ले लेते हैं। तो अभी बस ये ड्रेस आपको दिखा दिए हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, चूड़ियाँ कैसी लगी हैं और ड्रेस कैसे लगी हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें, मुझे कमेंट करें मेरी वीडियो पे, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखना, लेती हूँ जल्द तो हाफिज़।